नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। क्या आपको भी अपने घर के एक्वेरियम में गोल्डन फिश रखना पसंद है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इस खूबसूरत सुनहरी मछली को राक्षस बता रहे हैं। एक्वेरियम में नन्ही सी दिखने वाली मछली बाहर की दुनिया में फुटबॉल की गेंद के बराबर बड़ी हो सकती है और इसका वजन 2 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि हाल के सालों में गोल्डन फिश दुनिया भर की नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों में मौजूद जलीय जीवों के लिए मुसीबत की वजह बन गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अमेरिका के मिनिसोटा प्रांत के अधिकारियों ने लोगों से इन मछलियों को झीलों और नदियों में न छोड़ने की अपील कर दी है। मिनिसोटा में शहर के अधिकारियों ने साल 2020 में एक दिन में 50,000 गोल्डन फिश पकड़ी। इस शहर की तरफ से 9 जुलाई को एक आधिकारिक ट्वीट करके कहा गया, कृपया अपनी पालतू गोल्डन फिश को तालाबों और झीलों में ना छोड़ें। वो आपकी सोच से भी बड़ी हो सकती है। वो पानी में रहने वाले जीवों को और पौधों को नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही पानी की क्वालिटी को भी खराब कर रही है। मिनेसोटा के सार्वजनिक जल में बिना अनुमति के जिंदा गोल्डन फिश को फेंकना एक अपराध बना दिया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर $3,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बहुत से लोग जो अपने घर या ऑफिस के एक्वेरियम में गोल्डन फिश पालते हैं, वो बाद में उसे पास की नदियों या झीलों में छोड़ देते हैं। कई एक्सपर्ट्स ने बताया है कि गोल्डन फिश की प्रकृति अन्य मछलियों पर हमलावर रहने की है और इस तरीके से ये इकोसिस्टम के लिए खतरा बन जाती है। ये मछली पानी में रहने वाले पौधों और जीवों को नुकसान पहुंचाती है, साथ ही पानी की क्वालिटी को भी खराब कर देती है। वैज्ञानिकों के अनुसार गोल्डन फिश सबसे पहले चीन में पाई गई थी और बाद में पूरी दुनिया में फैल गई। ये मछलियां मांसाहारी हैं। दूसरी मछलियां मच्छरों का लार्वा खाती हैं और इस तरह से वो एक कीटनाशक की तरह का काम करती हैं। लेकिन वही गोल्डन फिश इन्हीं मछलियों के अंडे खा जाती है। इसी के साथ वो पानी के पौधों, पत्तियों, पौधों जड़ों, कीड़ों, लार्वा, कीड़े, घोंगे और यहाँ तक कि छोटी मछलियों को भी खा जाती है। गोल्डन फिश से दूसरी मछलियों को बीमारियों का भी खतरा हो सकता है। गोल्डन फिश भोजन की तलाश में एक ऐसा तरीका अपनाती है जिससे पानी की सतह में काफी हलचल होती है। इससे दूसरी समस्या पैदा हो जाती है, पानी के नीचे मौजूद कीचड़ ऊपर आने लगता है और उस जगह पर मौजूद पोषक तत्व तैरने लगते हैं। इससे गोल्डन फिश को खाना तो मिल जाता है, लेकिन वहां शैवाल बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इस तरह नदियों, झीलों या फिर अन्य जल स्रोतों में गोल्डन फिश को फेंकने से वहां पहले से मौजूद मछलियों पर उन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। घर में रखे एक्वेरियम में गोल्डन फिश उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन जैसे ही इसे बाहर किसी तालाब या नदी में छोड़ा जाता है, इनका आकार तेजी से बढ़ने लगता है। ये बढ़ते बढ़ते एक फुटबॉल के बराबर भी हो जाती है। साल 2019 में स्मिथ सोनियन के मिलर सोनी ने बताया कि न्यूयॉर्क की नियाग्रा नदी पर एक जलाशय से 14 इंच की गोल्डन फिश पकड़ी गई थी। मिनेसोटा के केलर झील में गोल्डन फिश की बहुत बड़े आकार की मछलियां देखने के बाद सरकारी अधिकारियों ने इसे हमलावर प्रजाति की मछली करार दिया है और लोगों से अपील की है कि वो अपने एक्वेरियम से इसे नदी या तालाबों में न छोड़ें। इसी के साथ एक्सपर्ट्स ने एक्वेरियम के पानी को नदियों और झीलों में बहाने को लेकर भी चेतावनी दी है, क्योंकि ठहरे हुए पानी में पैदा होने वाले परजीवी नदी तालाबों में पाए जाने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन फिश पर एक स्टडी हुई थी। स्टडी टीम ने 15 गोल्डन फिश की गतिविधियों पर साल भर तक नजर रखी। इसके बाद टीम के सामने गोल्डन फिश को लेकर एक नई जानकारी सामने आई। रिसर्च में कहा गया, हमने पाया कि गोल्डन फिश नहरों से नदियों के रास्ते होते हुए दलदले इलाके में पहुंची, जहां उन्होंने अंडे दिए। इसका मतलब यह हुआ कि गोल्डन फिश एक साल में 230 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी दूरी तय कर सकती है। इसी रिसर्च में एक और खास बात निकलकर सामने आई कि गोल्डन फिश खरगोश की तरह ही बच्चे पैदा कर सकती है। ज्यादातर जानवरों के बच्चे पैदा होने का एक सीजन होता है, लेकिन खरगोश एक बार बच्चे जन्म के बाद फिर से गर्भवती हो सकती है। इस तरह दूसरी मछलियों के अंडे देने का भी एक सीजन होता है, जबकि गोल्डन फिश खरगोश की तरह ही बच्चे पैदा करती है, यानी वो तेजी से प्रजनन करती है। हाल के सालों में गोल्डन फिश की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे पानी की दूसरी प्रजातियां प्रभावित हुई है। ये 25 साल तक जीवित रह सकती है। वहीं गोल्डन फिश की कुछ प्रजातियां 40 सालों से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकती है। कनाडा के अधिकारियों का अनुमान है कि ओंटेरियो झील में करीब 50 मिलियन गोल्डन फिश हो सकती है। इसी के साथ कई और भी दिक्कतें हैं। अब एक दिक्कत ये भी है कि अगर गोल्डन फिश को नदियों तालाबों में फेंक नहीं सकते और हम उन्हें मारना भी नहीं चाहते तो क्या करें? एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप इन्हें किसी ऐसे जलाशय में छोड़े जहां दूसरे जीवों को इससे खतरा ना हो। बात करते हैं गोल्डन फिश की। गोल्डन फिश ताजे पानी की मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम केरेसियस ओरोत्सवे है। ये ज्यादातर घर के एक्वेरियम में पाई जाती है। ये पालतू बनाए जाने वाली सबसे पहली मछली है। गोल्डन फिश एक तरीके की कॉप होती है। इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और इनके सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। साधारण रूप से इसकी लंबाई 3 से 5 इंच तक होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये काफी बुद्धिमान भी होती है।
इन मछलियों में रंगों, आकृतियों और ध्वनियों के बीच अंतर करने की क्षमता होती है। ये बेहद ठंडे पानी में भी जिंदा रह सकती है। जब गोल्डन फिश को एक्वेरियम में रखा जाता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती और उनके आकार में विकास भी नहीं होता है। लेकिन अगर उन मछलियों को तालाब में डाल दिया जाए तो वो काफी खतरनाक बन जाती है और तालाब में मौजूद मछलियों की दूसरी प्रजाति को काफी जल्दी से खत्म कर देती है। इसीलिए गोल्डन फिश को धूर्त मछली के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बनने लगी है। अधिकारियों ने वर्जीनिया, वॉशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर होने वाले खतरों को लेकर नागरिकों को चेतावनी दी है। तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।